बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू भरे पराठे बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ग्रम आटा 2 कप, ऑल पर्पज फ्लावर 1 कप, घी 4 to 5 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, योगर्ट 1 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून। फ्रीजर में सेव करने के लिए प्लास्टिक रैप मैंने इसको स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको डो की शक्ल देंगे। आलू के पराठे की फिलिंग के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पोटैटो 3 बेक्ड, अनियन 1 स्मॉल थिन स्लाइसेस, रेड चिली क्रश 1 टीस्पून, ग्रीन चिली 2 finely chopped, fresh coriander 2 tablespoons chopped, white cumin seed 1 teaspoon, salt 1 teaspoon, oil 4 tablespoons. बेक्ड आलू को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली क्रश्ड, ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में ऑयल गरम करके अनियन डालेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। अनियन हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें व्हाइट क्यूमिन सीड ऐड करेंगे जो हमने मैश पोटैटो रखे थे, वो इसमें ऐड करें। आलू के पराठे की फिलिंग रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। डो हमने तैयार कर ली है, अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। हमने 2 छोटी बॉल्स बेल ली हैं, अब हम इसके अंदर आलू फिल करेंगे। इसी तरह हम सारे बेल लेंगे और जिप लॉकर बैग में करके हम डिफ्रीज़र में रख देंगे। डिफ्रीज़र से पराठे निकालने के बाद हम फौरन ही इसे प्लास्टिक रैप से अलग कर लेंगे। प्लास्टिक रैप से हमने इसको अलग कर लिया है, अगर हम अलग नहीं करेंगे तो पराठे चिपक जाएंगे प्लास्टिक में। पैन हमने गर्म कर लिया है और हमने पराठा इस पर डाल दिया है। पराठे को हमने दोनों तरफ से हल्का सा सेक लिया है, अब हम इसमें घी डालेंगे। इसी तरह हमने सारे पराठे सेक लिए। मज़ेदार आलू के पराठे रेडी हैं, एंजॉय करें।